राजस्थान में कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनीज और फैक्ट्रीज को सशर्त संचालन की अनुमति फिलहाल दी गई है। इस दौरान सभी को तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकारी कार्यालय, फैक्ट्रीज व प्राइवेट कंपनीज में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को बुलाया नहीं जाएगा। प्रतिदिन रोटेशन के हिसाब से उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। इसी के साथ में कुछ तय क्षेत्रों में आंशिक छूट भी दी जाएगी। वहीं रेड जोन में शामिल इलाकों में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं होने वाला है। इन सभी इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहां किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली है। जयपुर के रामगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में जिलों के हॉटस्पॉट में रहने वाले कर्मचारी और श्रमिकों को दफ्तर और फैक्ट्री जाने की अनुमति नहीं मिली। प्रदेश की बड़ी अनाज और सब्जी मंडियों में पहले से ही कार्य शुरू कर दिया गया। अब छोटी मंडियों में भी कल से कार्य शुरू होने वाला है। किराना और मेडिकल स्टोर पर उन्हीं लोगों को सामान मिलेगा जो कि मास्क लगाकर वहां पहुंचेंगे, और दुकानदार को भी इस पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आपको बताते जाएं कि अब क्षेत्र से दूर खनन, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट इकाई सोमवार से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फार्म कंपनीज, पशुपालन और खेती से जुड़ी गतिविधियां, कपड़ा मिल्स, रोलिंग मिल्स, साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली इकाइयों और इलेक्ट्रिकल सामान बेचने वाली लोगों के साथ में ही जवाहरात व्यापारियों को भी अनुमति मिली है। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली सभी इकाइयों को संचालित करने का संचालित किया जाएगा। फिलहाल रेस्टोरेंट्स, सिनेमाघर, कमर्शियल मॉल्स, बियर बार, कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। दिनेश कुसाना मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे अधिक जानकारी के लिए। दिनेश, कल 20 अप्रैल है वो तिथि जब मॉडिफाइड लॉकडाउन प्रदेश में लागू होने वाला है। इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके उन रियायतों की यहां पर जानकारी दी जो यहां पर सशर्त और पाबंदियों के साथ में लागू की जाएगी। क्या यहां पर तस्लीक से जानकारी दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जयती, कल से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो जाएगा और मॉडिफाइड लॉकडाउन के साथ ही कुछ रियायतें इसके द्वारा दी जाएंगी। देखिए, राज्य सरकार की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन के बाद सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शुरू हो जाएंगे। सरकारी जो कामकाज है वो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कल से 20 अप्रैल से और 3 मई तक की व्यवस्था मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत रहेगी। जो सरकारी कामकाज है वो पूरी तरह से चालू होंगे। जो जरूरी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके लिए भी यहाँ पर मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत उनको भी खोला गया है, लेकिन उद्योग विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार सभी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको विभागीय जो अनुमति है वो लेनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी जो जरूरी अनुमति इनके द्वारा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से जो सख्ती बरती जा रही है वो लगातार जारी रहेगी। सभी विभागों की ओर से जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उनके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो सभी जो कार्यालय हैं वो सरकारी वो दफ्तर खुलेंगे, लेकिन रोटेशन प्रक्रिया सभी विभागों के ओर से अपनाई गई है। एक तिहाई जो कर्मचारी हैं वो ही कार्यालय पहुंचेंगे, साथ ही जो शेष कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। देखिए, सचिवालय की बात की जाए तो जो IAS सेवा और RAS सेवा के अधिकारी हैं वो नियमित रूप से कार्यालय पहुंचेंगे, साथ ही जो शेष कर्मचारी हैं उनको नियमित तौर पर कार्यालय नहीं आना होगा। रोटेशन प्रक्रिया के तहत जो एक तिहाई कर्मचारी हैं वो ही कार्यालय आएंगे। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की बात करें तो JDA की ओर से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, नगर निगम की ओर से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। एक तिहाई कार्मिक हैं उनको ही कार्यालय आना होगा। और बड़ी बात यह है कि आम जनता का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश है पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है। जो कामकाज करने के लिए जिन कर्मचारियों को बुलाया जाएगा उनको ही कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह की गाइडलाइन लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर जारी की गई थी, जिसके तहत ही मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है। पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के तहत चाहे जो जरूरी औद्योगिक इकाइयाँ हों उनको राहत दी गई हो, औद्योगिक विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उनके तहत जो मजदूर वर्ग हैं उनको फैक्ट्रियों में लाया जाएगा। उनको भी फैक्ट्री मालिकों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक बार ही उनको मजदूरों को लाने की परमिशन विभाग की ओर से दी जाएगी, जिसके बाद जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको वहीं पर उनके आसपास ही रहने की व्यवस्था करनी होगी।
बार बार कर्मचारियों को जो मजदूर हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्था या परमिशन विभाग की ओर से नहीं दी जाएगी, जो फैक्ट्री है उसके आसपास ही उनको रहने की व्यवस्था करनी होगी फैक्ट्री मालिक को। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दिनेश। और राजस्थान